वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने मीडिया को जानकारी दी। कोविड-19 संक्रमण के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए प्रयागराज पुलिस को निर्देश दिया गया है, जो लोग बिना मास्क के दिखाई दे उनका चालान किया जाए, साथ ही 188 धारा के तहत कार्रवाई की जाए। जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, संक्रमण का खतरा टला नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, इसलिए प्रयागराज को सुरक्षित रखने के लिए हम जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, SSC अभिषेक दीक्षित। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। के लिए, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए संक्रमण का खतरा अभी उतना बना हुआ है। जो कोई भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निरंतर इस कड़ी में धारा 188 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो लोग फेस मास्क नहीं लगा रहे उनके खिलाफ उनका चालान काटा जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी तेजी से। हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोग संक्रमण से स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जो गाड़ियों से अनाउंस कराया जा रहा है उसके जरिए लोगों को जागरूक करना मकसद है जी, क्योंकि अगर कहीं इसमें जो देखा जा रहा है कि लोगों में गंभीरता की कमी आई है इसको लेकर, लॉकडाउन हटने के बाद से अगर कहीं भी इस गंभीरता की कमी आई है, लोगों को लग रहा है कि संक्रमण का दौर खत्म हो गया है, तो वो दोबारा से सचेत हो जाएं, उनको अवेयर होना चाहिए कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और इसी का प्रयास हम निरंतर रूप से कर रहे हैं।